प्रश्न, 4 वर्ष पहले अंशु की माँ की उम्र अंशु से 5 गुनी थी। अंशु की माँ अंशु के पिता से 5 साल छोटी है। यदि वर्तमान में तीनों की उम्र 105 वर्ष है तो अंशु की वर्तमान उम्र क्या है? अब अंशु की वर्तमान उम्र निकालना है। देखिए हल करने जा रहे हैं यहाँ। अब जिसको निकालना है उसका मान लेंगे। देखिए माना कि अंशु की 4 वर्ष पहले अंशु की उम्र 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले एक्स मान लीजिए। माना कि अंशु की उम्र 4 वर्ष पहले माने हैं एक्स, तो अभी कितना हो जाएगा वर्तमान उम्र? तो देखिए वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र अभी 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष बाद हो जाएगा, तो एक्स प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए अंशु का वर्तमान उम्र हो गया x+4। अब अंशु का पिता। अब देखिए अगला, अंशु का माता की वर्तमान उम्र, सुकी माता का वर्तमान उम्र 5 गुनी थी। यहाँ देखिए प्रश्न में, यहाँ पर 5 गुनी, तो यहाँ हो जाएगा उम्र 5x प्लस 4 वर्ष पहले, तभी वर्तमान उम्र होगा, समय 4 जुड़ जाएगा। फर्स्ट में अंशु का वर्तमान उम्र में x+4 हो गया, तो इसमें 5x+4 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुनी थी। तो अंशु की माँ की अंशु के पिता से 5 साल छोटी हैं। अब देखिए पिता वाला, अब अंशु के पिता की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? अब छोटी है, 5 साल छोटी है, तो इसका हो जाएगा 5 साल, तब 5x में 5 साल जोड़ दिए, और फिर इसमें 4 जुटा, इसमें फिर 4 जुड़ जाएगा। वर्तमान उम्र में अंशु के पिता की वर्तमान उम्र 5 साल छोटी है, तो इसे माता से छोटा है, तो 5x+5, फिर 4 इसमें जुट गया, 4 इसमें भी हो जाएगा वर्तमान उम्र। देखिए प्रश्न में, माँ अंशु के पिता से 5 साल छोटी है, तो 5 साल पिता का बड़ा हो जाएगा, तो 5 साल यहाँ पर जोड़ दिए, 5x+4 अंशु का माता की उम्र, माता में 5 साल छोटा है, माता से 5 साल, पिता से, तो 5x
प्लस फाइव प्लस फोर, तीनों का उम्र हो गया, तीनों का देखिए तीनों का योग, तीनों की उम्र 105 वर्ष है। यदि वर्तमान में तीनों की उम्र 105 वर्ष है, अब तीनों के जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5x प्लस 5 4 9 हो जाएगा। 5x प्लस 5 4 9 यहाँ पर हो गया। प्रश्नानुसार अब देखिए, प्रश्नानुसार अब देखिए प्रश्नानुसार सबके जोड़ दीजिए। तीनों की वर्तमान उम्र का योग, तीनों की वर्तमान उम्र का योग तो मतलब जोड़, हाँ देखिए सबका जोड़ देंगे। एक्स प्लस फोर, 5x प्लस फोर और इसका प्लस 5x प्लस 9 बराबर 105 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जोड़ा सबका कितना हो जाएगा, एक्स एगो एक्स है, 5x है, 6x और 5x, 6 5 11x। यहाँ देखिए एक्स 5x है, 6x, 6x है यहाँ 5x, तो 6 5 11x, अब 4 यहाँ 4 यहाँ 8 8 9 17, तो ये 17 हो गया बराबर 105। देखिए एक्स का मान निकालना, 11x इधर छोड़ देंगे बराबर 105, इधर प्लस में 3 साइड में आके माइनस में 17 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए बराबर फिर 11x, यहाँ देखिए 11x बराबर 105 में 17 जाएगा 88 हो जाएगा, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 88 बटा 11 11 8, तो x बराबर 8 8 आंसर हो गया। अब देखिए अभी वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो एक्स के जगह पर देखिए अंशु के वर्तमान उम्र निकालना था, तो अंशु की वर्तमान उम्र, अंशु की वर्तमान वर्तमान उम्र एक्स प्लस फोर, तो एक्स का मान आया कितना यहाँ 8, तो एक्स के जगह पर कितना रख देंगे 8 प्लस 4, तो 8 4 यहाँ हो गया 12, ये आंसर हो गया। एक बार फिर दोहरा रहे हैं, देखिए 4 वर्ष पहले अंशु की माँ की उम्र अंशु से 5 गुनी थी, तो अंशु की माँ अंशु के पिता से 5 साल छोटी है। यदि वर्तमान में तीनों की उम्र 105 वर्ष है, तो अंशु की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए माना कि अंशु की वर्तमान उम्र एक्स मान लिए, तो 4 वर्ष पहले एक्स हो गया, तो अभी वर्तमान उम्र 4 वर्ष जुड़ जाएगा, तो एक्स प्लस 4 हो जाएगा वर्तमान। उसी तरह माता का उम्र, तो माता की उम्र 5x प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुनी है इसलिए 5x प्लस 4। तो अंशु के पिता की वर्तमान उम्र 5x प्लस 5 प्लस 4 के इसलिए हो गया कि यहाँ 5 साल छोटी है, तो पिता की उम्र बड़ा हो जाएगा, तो 5x प्लस 5 जोड़ दिए, फिर सब में एक्स
फोर जुटा ले तो पाँच चार नौ हो गया, फाइव एक्स प्लस नौ हो गया पिता में। अब तीनों की प्रश्न अनुसार तीनों की वर्तमान उम्र का योग सबके जोड़ देंगे 105 दिया हुआ है, तो x प्लस फोर, फाइव एक्स प्लस फोर, फाइव एक्स प्लस नाइन सबका जोड़ दिए तो 11 x वाला को एक दाने तो फाइव एक्स एक्स छः एक्स पाँच एक्स तो पाँच छः पाँच 11x प्लस चार चार आठ, आठ नौ 17 अब बराबर 105 तो 11x एक दाने छोड़ दिए इस साइड, यहाँ इस साइड प्लस में तो इस साइड चल गया तो माइनस में हो गया। अब उसी तरह 11x बराबर 105 में 17 चले गए तो 88, तो x बराबर 88 बटा 11, 11 88 कट गया, 8 इसका आंसर हो गया। अब देखिए वर्तमान अंशु की वर्तमान उम्र x प्लस फोर है, ऊपर माने थे यहाँ पर x प्लस फोर वर्तमान उम्र, तो x का मान यहाँ बैठा देंगे तो 8 4 12 12 आंसर हो गया। प्रश्न देखिए, ए एक उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, तथा फिर दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर खड़ा है, हर दफे दाईं ओर मुड़ता है। देखिए फिगर से पहले दिशा मालूम कर लेंगे। देखिए इधर देखिए दाया साइड, तो मान लीजिए यहाँ दक्षिण, दाया साइड से दक्षिण इधर हो जाएगा साइड, दक्षिण के इधर हो जाएगा उत्तर, ऊपर मान लीजिए पूरब, नीचे मान लीजिए पश्चिम। देखिए ऊपर मान लीजिए पूरब, नीचे पश्चिम, और दाया साइड इस साइड दक्षिण, अब बचा इस साइड उत्तर। अब देखिए प्रश्न से करा 4 किलोमीटर ए उत्तर दिशा में, ए उत्तर में चलता है, पहले के प्रश्न में उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलकर। अब देखिए उत्तर किधर माने, यहाँ से मान लीजिए यहाँ ए बिंदु यहाँ से स्टार्ट किया, तो उत्तर इधर माने हैं, तो उत्तर कितना चलता है 4 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ की दूरी मान लीजिए यहाँ 4, इतना दूरी चला, फिर इधर से दाहिना मुड़ा, दाहिना कितना चलता है, इधर मान लीजिए यहाँ 4 हो गया यहाँ की दूरी, फिर इधर चला दाहिना मुड़ा तो इस साइड ऊपर चल जाएगा। अब देखिए इसका इसका दूरी हो गया 4 किलोमीटर, अब इधर चला तो चल कर दाहिनी मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, तो दाहिने इधर से आ रहा है तो दाहिने ऊपर गई की ओर, तो ये 8 किलोमीटर इधर चला, फिर यहाँ से फिर दाहिनी मुड़ता है 8 किलोमीटर, यहाँ देखिए फिर दाहिनी मुड़कर पहले चला 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चल कर दाहिनी मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, तो दाहिनी फिर ऊपर जाता है 8 किलोमीटर, अब चलता है फिर वह दाहिनी मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, फिर इधर की ओर दाहिनी मुड़कर तो इधर चलावेगा तो 12 इधर में जाता है, मान लीजिए तो यहाँ 12 किलोमीटर इधर चला इस साइड में, फिर 12 किलोमीटर इस साइड हो गया। अब देखिए फिर करा है 12 किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर चलता था, तब फिर दाही ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है तो इस साइड में फिर आ जाएगा, इधर से चला तो फिर यही लाइन में आ जाएगा, इधर चला बड़ी यहाँ तो ये कितना चलता है 8 किलोमीटर, इधर चला 8, इधर चला 12, फिर 8 आ गया बिंदु, तो यहाँ जितना दूरी इधर चला था फिर आ गया इस बिंदु पर आ गया, अभी ए ई बिंदु पर आ गया। अब पूछ रहा है कि प्रारंभ बिंदु से वह अपने घर से कितनी दूरी पर खड़ा है, अपने घर से तो स्टार्ट कहाँ से किया है, यहाँ से ही किया है, ये बिंदु से किया है, तो
यहाँ से किया है तो इधर गया 4 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर, फिर लौट इधर आया 12 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर इधर चला तो इस बिंदु पर आ गया था। यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है तो पूरा यहाँ से यहाँ 12 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 12 किलोमीटर है। अभी 4 घटा देंगे तो 12 में से 4 जाएगा। ये निकालना है ये दूरी, यहाँ से यहाँ कितना दूरी पर खड़ा है, तो 12 में से 4 गया, 12 माइनस 4 बराबर 8, ये 8 किलोमीटर हो जाएगा, 8 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर खड़ा है। यहाँ से यहाँ ये बिंदु हो गया ए का, तो ये बिंदु 8 किलोमीटर पर खड़ा है, 8 किलोमीटर पर खड़ा है। यहाँ देखिए फिर से दोहरा रहा है, ये उत्तर दिशा में चल कर तो उत्तर इधर की ओर जाता है। यहाँ से मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से इधर की ओर बढ़ता है उत्तर की ओर, कितना चलता है पहले 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चला, फिर उधर दाहिन, फिर दिशा में 4 किलोमीटर दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर इधर की ओर आ रहा है तो इधर दाहिना इधर की ओर तो 8 किलोमीटर, इधर 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर इधर की ओर आ जाता है तो इधर चलता है 12 किलोमीटर, फिर इधर चलता है तो आ जाता है 8 किलोमीटर। तो ई जितना चला था उतना ही लंबाई हो जाएगा 8 किलोमीटर, कैसा कार बन गया आयताकार। तो इसका यहाँ से स्टार्ट किया था ये बिंदु, अभी आयत बन गया है, 4 किलोमीटर इधर चला है, 8 किलोमीटर इधर, फिर 12 किलोमीटर इस साइड चल गया। तो इसका आयत की परिभाषा से आमने सामने की भुजा बराबर होता है कोण समकोण होता है उसे आयत कहते हैं। तो इसका बराबर ई हो जाएगा, इसका बराबर ई हो जाएगा, आयत का हो गया। आयत किसे कहते हैं, तो आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होता है कोण समकोण आयत कहते हैं। तो आमने सामने की भुजा ई बराबर होगा, तो ये 4 किलोमीटर यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक घर से करा, घर से कितने दूरी पर खड़ा है, तो घर से यहाँ से स्टार्ट किया, फिर घूमते घूमते फिर यहाँ आ गया, तो इतने दूरी ना चला था, ये पूरा है 12 किलोमीटर। अभी 4 किलोमीटर इधर घटा दीजिए तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना 8 किलोमीटर, तो ये 8 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ की दूरी पर खड़ा है, दूरी पर खड़ा है, तो 8 आंसर हो जाएगा। 8 किलोमीटर पर घर से कितनी दूरी चला, 8।